सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन किस तरह किया जाता है एवं उसमें जो इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जैसे इग्नाइटर, ब्लास्ट, कैपेसिटर, इनका फंक्शन क्या होता है और इनका कनेक्शन किस तरह किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के सोडियम हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे उनका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा और उसका फंक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, उससे पहले देखा जाए तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है और जो मर्करी वेपर लैंप होता है, दोनों में इंटरनल कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं और दोनों का कनेक्शन भी सेम होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन सीख लिया है तो आप मर्करी वेपर लैंप का कनेक्शन भी आसानी से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो सोडियम वेपर लैंप और मर्करी वेपर लैंप में एक ही फर्क होता है, जो सोडियम वेपर लैंप की लाइट होती है वो आपको पीली कलर की नजर आती है और जो मर्करी वेपर लैंप की जो लाइट होती है वो आपको व्हाइट नजर आती है, बट इतना ही फर्क होता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए तो सोडियम वेपर लैंप और मर्करी वेपर लैंप पहले यूज किए जाते थे, आजकल तो उनका इतना फंक्शन इतना यूज नहीं किया जाता क्योंकि उसे स्टार्ट होने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, उसकी एफिशिएंसी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। बट फ्रेंड्स, आपसे इंटरव्यू में या वाइवा में पूछा जा सकता है कि सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, उसे इसमें इग्नाइटर को क्यों कनेक्ट करते हैं या ब्लास्ट को क्यों कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वह आज क्लियर हो जाएंगे। बट फ्रेंड्स, जो सोडियम वेपर लैंप है, जो मर्करी वेपर लैंप होता है, उसे आजकल इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह इंडस्ट्री में आजकल इस तरह की एलईडी को यूज किया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इसकी लाइट भी काफी ज्यादा होती है और इसकी एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा होती है। इस तरह की लाइट को आजकल इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है और इसे स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, यह तो हुआ अभी आज के टाइम में यूज किया जा रहा है। बट फ्रेंड्स, सोडियम वेपर लैंप का आपको यदि आप स्टूडेंट है तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम वेपर लैंप को किस तरह यूज किया जाता है, उसमें इग्नाइटर क्यों लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं सोडियम वेपर लैंप में कनेक्शन किस तरह करेंगे, हम इग्नाइटर को इनको हम क्यों यूज करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, हम सोडियम वेपर लैंप को एक देख लेते हैं। हमारे पास एक ओल्ड मॉडल का सोडियम वेपर लैंप रखा हुआ है, हम पहले उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक ओल्ड मॉडल का सोडियम वेपर लैंप उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सोडियम वेपर लैंप का ओल्ड मॉडल है, आजकल वैसे तो इसका इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, बट फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए जस्ट हमने इसे यहाँ पे लाए है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं हमें उसे निकाल के रखिए, हम देख लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और इनका यूज क्या किया जाता है। फ्रेंड्स, जो सोडियम वेपर लैंप में देखा जाए तो यह कैपेसिटर लगाया जाता है, इसका यूज होता है जनरली पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए क्योंकि इसका पावर फैक्टर काफी वीक होता है, दैट मीन्स बहुत कम होता है। एवं फ्रेंड्स, इसमें एक इग्नाइटर लगा हुआ होता है, यह एक इग्नाइटर है। तो जिस तरह हम ट्यूबलाइट में स्टार्टर का यूज करते हैं उसी तरह इस सोडियम वेपर लैंप में हम इसे एज अ स्टार्टर यूज करते हैं जिसे हम इग्नाइटर कहते हैं। हम फ्रेंड्स इसका कनेक्शन भी समझेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें एक चोक यूज किया जाता है, चोक को जनरली हम ब्लास्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक चोक यूज किया जाता है, यह उसका चोक है। तो फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन हम समझेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं हम इन्हें कनेक्ट क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, जो सोडियम वेपर लैंप का पावर फैक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है 0.55, इसका पावर फैक्टर काफी ज्यादा वीक होता था, पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए हम इस कैपेसिटर का यूज करते हैं। एवं फ्रेंड्स, इग्नाइटर का यूज क्यों करते हैं हम यह समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इग्नाइटर को हम जनरली जो हमारा हाई वोल्टेज और हाई करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो लाइट होती है उसमें ज्यादा उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाई वोल्टेज और हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस तरह हम स्टार्टर को ट्यूबलाइट में यूज करते हैं उसी तरह इस इग्नाइटर को हम सोडियम वेपर लैंप में यूज करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस ब्लास्ट को देखा जाए तो इसका ब्लास्ट का काम ये चोक ही होता है, जिस तरह हम ट्यूबलाइट में चोक कनेक्ट करते हैं उसी तरह इसमें हम ब्लास्ट कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लास्ट का यूज ये होता है कि जो जब हम इस इग्नाइटर से हाई वोल्टेज और हाई करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे मेंटेन करने का काम इस ब्लास्ट का होता है, दैट मीन्स जो हाई वोल्टेज और हाई करंट प्रोड्यूस हुआ है उसे कंट्रोल करने का काम इस चोक का होता है। एवं फ्रेंड्स, इसमें जो लैंप लगा होता है उसकी गैस को आयोनाइज करने का काम भी इस ब्लास्ट का होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिंपल इसकी वर्किंग, इसका कनेक्शन वर्किंग हुई। अब फ्रेंड्स, हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं किस तरह इसमें कनेक्शन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप इग्नाइटर में देख लीजिए, इग्नाइटर में आपको तीन पॉइंट्स यहाँ दिख रहे हैं। ये फ्रेंड्स इग्नाइटर टू टाइप्स के होते हैं, इसमें तीन वायर निकले हुए भी आपको मिल सकते हैं या इस तरह के तीन कनेक्टर भी मिल सकते हैं। हमें यहाँ पे तीन कनेक्टर मिले हैं, ये यूजुअली रेड, येलो और ब्लैक, दैट मीन्स इस तरह के होते हैं ये। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस चौक में देखा जाए तो आपको चार पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक पॉइंट है कॉमन का, इसके अलावा दूसरा पॉइंट है 220 का और दूसरा जिसे हम इग्नाइटर का पॉइंट भी कहते हैं, तीसरा पॉइंट है 220 200 का और चौथा पॉइंट है 240 वोल्ट का। तो फ्रेंड्स, चार पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं एवं यह है कैपेसिटर है, तो इसकी फंक्शन तो आपको पता ही होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका कनेक्शन हम किस तरह कर सकते हैं।
फ्रेंड्स कनेक्शन में देखा जाए तो हमें सिंगल फेज सप्लाई है, यह एक कैपेसिटर है, यह हमारा इग्नाइटर के 3 पॉइंट है जो यहाँ पे दिए गए हैं, एवं यह जो हमारे पास यह ब्लास्ट लगा हुआ है, ब्लास्ट के 3 पॉइंट, और यह हमारे लाइट है जिसे हमें ग्लो करना है। अब फ्रेंड्स इसका कनेक्शन किस तरह होगा यह समझ लेते हैं। फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो आजकल सोडियम वेपर लैंप को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, फिर भी हम जस्ट आपको याद रहे इसलिए इस कनेक्शन को बना रहे हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको जनरली आप पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम पहले न्यूट्रल न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल हमें कहाँ देना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, जो जो कनेक्शन है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो सके। तो फ्रेंड्स न्यूट्रल को सबसे पहले तो आपको कैपेसिटर के एक पॉइंट में देना है, यहाँ पे आपने दे दिया है न्यूट्रल। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इस ब्लास्ट में 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो इसमें जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ब्लैक वाले पॉइंट में आप यहाँ पे एक न्यूट्रल दे दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया, दैट मीन्स दो जगह हमारा न्यूट्रल अभी चला गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस लाइट में भी न्यूट्रल देना है, तो इस लाइट में भी हमने अभी न्यूट्रल दे दिया। तो फ्रेंड्स हमने 3 जगह अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी न्यूट्रल की वायरिंग हो गई है। अब हमें फ्रेंड्स फेस की वायरिंग करना है, दैट मीन्स हमें फेस की वायरिंग करके इसे ग्लो करना है। तो फ्रेंड्स फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी वह समझते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम फेस को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कैपेसिटर को देंगे। दैट मीन्स फ्रेंड्स हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया है, कैपेसिटर को फेस भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका यह इग्नाइटर का जो रेड वाला वायर है, इस रेड वाले वायर को आप इस फेस से कनेक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स इस इग्नाइटर में भी आपका फेज आ गया है। तो फ्रेंड्स अभी आपका फेस कहाँ कहाँ चला गया है, इस कैपेसिटर में चला गया है एवं इस इग्नाइटर में चला गया है। अब फ्रेंड्स हमें जो 240 का पॉइंट है, क्योंकि हमें इस चोक को 240 पे ऑपरेट करना है, तो 240 पे ऑपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेड वाला वायर है उसे ही हम यहाँ पे दैट मीन्स फेस को देखा जाए तो 240 के पॉइंट पे दे देंगे, ब्लास्ट के जो ब्लास्ट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया है, अभी जस्ट फेस को यहाँ पे कैपेसिटर में दिया एवं इग्नाइटर में दिया, और इग्नाइटर से यहाँ पे हमने 240 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया। दैट मीन्स हमारा फेज अभी 3 जगह चला गया है। अब फ्रेंड्स हमें जस्ट हमारा कनेक्शन वैसे हो गया है, अब हमें क्या करना है, इस इग्नाइटर के जो येलो वाला वायर नजर आ रहा है, येलो वाले पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इस येलो वाले पॉइंट्स को ले जाके जो इग्नाइटर का 220 या इग्नाइटर का जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको इग्नाइटर का पॉइंट भी नजर आ सकता है, यह 220 में नजर आता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इग्नाइटर का जो पॉइंट है वहां पे हमने इस येलो वाले वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब चूंकि हमें इस लाइट को इस ब्लास्ट के थ्रू कंट्रोल करना है, तो जो इसका कॉमन वाला टर्मिनल आपको नजर आ रहा है, इस कॉमन वाले टर्मिनल से आप देखा जाए तो इस कॉमन वाले टर्मिनल से आप लाइट को कनेक्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यह आपका पूरा सोडियम वेपर लैंप का या मर्करी वेपर लैंप हो, सभी का कनेक्शन सेम होता है, इस तरह आपका कनेक्शन हो गया है। तो फ्रेंड्स कनेक्शन हमने कुछ नहीं किया, जस्ट क्या किया, न्यूट्रल सबसे पहले तो इग्नाइटर को प्रोवाइड किया, लाइट को प्रोवाइड किया और कैपेसिटर को प्रोवाइड किया। एवं जो फेस था, फेस सबसे पहले हमने कैपेसिटर को प्रोवाइड किया, इग्नाइटर को प्रोवाइड किया और इस ब्लास्ट को प्रोवाइड किया। एवं फ्रेंड्स हमने क्या किया, जो येलो वाला वायर था उसे हमने इस इग्नाइटर के पॉइंट में दिया और इसी के थ्रू हमने कॉमन से इस लाइट को कंट्रोल कर लिया था। फ्रेंड्स इस तरह आप सोडियम वेपर लैंप का या मर्करी वेपर लैंप का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह का कनेक्शन सेम होता है, पर फ्रेंड्स आजकल इसका यूज इतना ज्यादा किया नहीं जा रहा, हर जगह से इसे निकाला जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इसे स्टार्ट होने में भी यूजुअली 4 से 6 मिनट लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा होते हैं, और इसकी लाइट भी इतनी ज्यादा, लाइट तो ठीक होती है बट फ्रेंड्स इसका इफिशियंसी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए इसे आजकल हर जगह से निकाला जा रहा है और आजकल एलईडी लाइट्स को यूज किया जा रहा है। बट फ्रेंड्स आप यदि स्टूडेंट है तो आपसे एग्जाम में या कहीं भी इसका पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यह दिखाया था। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकेंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।